मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइंस के एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में जिसका नाम है कार्बन और उसकी प्रॉपर्टीज। कार्बन आप सबको पता है, कार्बन एक ऐसा केमिकल एलिमेंट है जिसको हम सिंबलाइज करते हैं, यानी सिंबल देते हैं कैपिटल सी से, और इसका एटॉमिक नंबर 6 है। ये ग्रुप नंबर 14 का मेंबर है पीरियोडिक टेबल में और पीरियड नंबर 2 का मेंबर है। उसके बाद एक यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की कि कार्बन जो होता है दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बेस जो है दैट इज़ कार्बन। अगर हम बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के सामने रख के और कार्बन की पोजीशन को अलॉट करें तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ग्रीन कलर में ग्रुप नंबर 14 का जो पहला एलिमेंट है दैट इज़ कार्बन, और अगर हम पीरियोडिक वे वाइज चलें तो दैट इज़ द सेकेंड मेम्बर ऑफ दैट पीरियड। नाउ जनरल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें कार्बन की, तो इसका सिंबल मैंने आपको पहली स्लाइड में ही बता दिया था कि इसका सिंबल कैपिटल सी है, एटॉमिक नंबर 6 है और इट इज़ ए नॉन मेटल। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आप सबको क्लियरली पता है कि नॉन मेटल इस तरीके के सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, जिनकी ज़्यादातर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने की रादर देन लूजिंग इट। ग्रुप 14 में है, पीरियड सेकंड में है और पी ब्लॉक में है। ऑलरेडी आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स, एस पी डी एन एफ। तो जहाँ पी ब्लॉक की बात आएगी तो कार्बन आता है पी ब्लॉक में। इसका स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट जो है 12.011 amu है, रफली हम बोलते हैं 12 amu। नेक्स्ट इज द जनरल प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज यू ऑलरेडी नो कि एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसलिए 6 को हमने बायफर्केट कर दिया है 2 और 4 में। जो फर्स्ट शेल है, क्योंकि मैक्सिमम वो अलॉट कर सकती है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और नेक्स्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की। सबसे पहला यूनिक प्रॉपर्टी यही है कि इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज इट इज़ फाउंड इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड, कार्बन नॉन मेटल है, आपको पहले भी बताया गया है दैट इट इज़ ए नॉन मेटल, देयरफॉर इट कैन बॉन्ड विद इटसेल्फ, अपने आपस में भी बॉन्ड बनाते हैं और दूसरे केमिकल एलिमेंट्स के साथ भी ये बॉन्ड बहुत ईजिली बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल सल्फर के साथ ईजिली कंपाउंड्स पाए जाते हैं। नंबर 3, जो एलिमेंटल कार्बन है वो हार्ड, एलिमेंटल कार्बन के पास दोनों फॉर्म्स होती हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस भी और सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस भी। हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है कार्बन का दैट इज़ डायमंड एंड द सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस इज ग्रेफाइट। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि कार्बन जो होता है दैट इज़ हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो कि डायमंड का है, दैट इज़ अराउंड 3550, इट मीन्स 3550 डिग्री सेल्सियस है, और सब्लिमेशन पॉइंट है वो भी कार्बन का बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ मैक्सिमम 3800 डिग्री सेल्सियस यानी 3800 डिग्री सेल्सियस। फिफ्थ पॉइंट है कि कार्बन जो होता है ईजिली प्योर फॉर्म में फ्री इन नेचर पाया जाता है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है दैट इट विल फॉर्म कंपाउंड्स। नंबर 6, कार्बन दैट इज़ अ फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। नाउ विल टॉक अबाउट कार्बन कंपाउंड्स। आप सबको पता है जो सब कंपाउंड्स कार्बन के साथ मिलकर के बने हुए होते हैं, दीज कंपाउंड्स दीज आर नोन एज कार्बन कंपाउंड। एग्जाम्पल है हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब यहाँ पर जो प्रीफिक्स है वो चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। सपोज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1, देन विल यूज मिथ। इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2, विल यूज इथ। इफ इट इज 3, विल यूज प्रोप। 4, then butte. 5, then pent, and it keep on going like this. Then we'll talk about covalent compound. अब हम बात करेंगे covalent compound के बारे में। Mostly जितने भी non-metals होते हैं prefer करते हैं covalent compounds को, खास तौर पे carbon। अब covalent compound के अंदर क्या होता है, there is no such proper gaining or losing of electron। यहाँ पर जो दोनों atom हैं आपस में share करते हैं electron को, और जो shared electron है उसके ऊपर दोनों के दोनों atoms का equal right है। तो इस तरीके के compounds को हम covalent compound बोलते हैं, और जो बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड।
Now we'll deal about another very unique property of carbon. This is known as allotropy. Allotropy, अगर हम इसको विस्तार में आपको बताएं तो allotropy क्या होती है? एक property है chemical element की, जिसके अंदर वो element दो या दो से ज़्यादा different form में exist कर सकता है. इस property को हमने नाम दिया allotropy. और ये जो forms हैं जिनके अंदर ये element पाया जाएगा वो है allotropes. अब कार्बन जो होता है उसके बेसिकली दो वेल नोन एलोट्रॉप्स हैं, दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट. डायमंड के बारे में थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे. डायमंड जो होता है दैट इज़ ए क्रिस्टल फॉर्म ऑफ द प्योर कार्बन. और बेसिकली ये कब बनता है? जब हमारे पास व्हेन वी आर यूजिंग अंडर क्रशिंग प्रेशर एंड इंटेंस हीट. डायमंड जो है बेसिकली सेकेंड लेयर ऑफ अर्थ में पाया जाता है, दैट इज़ मेंटल. और मेंटल कहाँ पर होती है? पहले अर्थ क्रस्ट होती है और उसके बाद देन वी विल बी हैविंग अर्थ मेंटल. डायमंड की कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हैं. वेल नोन कंपाउंड है डायमंड. पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिकॉज एज यू नो इट्स द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर. नंबर दो, क्योंकि नॉन मेटल का पार्ट है, कार्बन का ही एलोट्रॉप है, तो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नंबर थ्री, इट इज़ वेरी हार्ड इन नेचर. और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, दैट है वन कार्बन इज सराउंडेड बाय फोर अदर कार्बन एटम, सो नो एज सच कार्बन एटम इज फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड एलोट्रॉप जो है दैट इज़ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है. ग्रेफाइट जनरली कब बनता है? जब मेटामॉर्फिज्म होता है कार्बन रिच रॉक्स का. और ग्रेफाइट लो प्रेशर में काफ़ी स्टेबल है. अब ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है? ईच कार्बन दैट इज सराउंडेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स एंड वन कार्बन एटम एज यू नो दैट इज फ्री. सो दैट इलेक्ट्रॉन दैट विल बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. So that's why graphite, that is a good conductor of electricity. Now we have finished our topic and I would like to give you some work that will be in the form of assignment. अब आपको कुछ काम दिया जाएगा जितना भी हमने टॉपिक कवर किया है उसी के बारे में. पहला हमारा क्वेश्चन है कि कार्बन जो होता है वो why it is forming the covalent bond by sharing electron. Mostly covalent bond ही क्यों बनाता है? नंबर दो है हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन कि कोवलेंट कंपाउंड व्हाई दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो बिजली है उसके कुचालक क्यों पाए जाते हैं कोवलेंट कंपाउंड. तीसरा है हमारा, आप एलोट्रॉपी को डिफाइन कीजिए. एलोट्रॉपी क्या है? एलोट्रॉप्स क्या है? नंबर चार, ग्रेफाइट का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों पाया गया है. एंड नंबर पाँच, व्हाई डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर. सो I hope you will be having a good day. Thank you for listening to me.